एक मिनट, पानी है, पानी 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 है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आज हम निकले हैं संडे राइड पे। एंड टुडे इज़ गोइंग टू बी रियली फन डे। आज हम जा रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे, वहाँ आज हम आप ब्रेकफास्ट करेंगे। आज हम चीतल ग्रैंड पे, लास्ट टाइम जब मैं चीतल ग्रैंड गया था वहाँ से जगह हुए मेरे को अराउंड एक साल हो चुका है। एंड आई रियली वॉज मिसिंग द मेरठ एक्सप्रेस वे। एंड मेरठ एक्सप्रेस वे तक जाते हुए भी बहुत टाइम हो चुका है। चीतल ग्रैंड तो चलो फिर भी दूर की बात है काफ़ी। अदर देन दैट, अभी आसिम भैया ये रे सामने दिख गए मेरे को, ये सब रे रहे। एंड ये अभी छूट गए थे, ज़्यादा आगे चले गए थे, कहाँ गए? नहीं ये नहीं है, कहाँ है आसिम भैया? कहाँ है आसिम भैया? कहाँ है आसिम भैया? कहाँ पर है ये रे? लोकेशन पीछे की थी पता वो। तो सन जस्ट अभी राइज हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। अच्छा मेरा इसका स्पीडो का जो है टाइम एक मिनट आगे है, पूरा एक मिनट एग्जैक्टली। एंड मेरे को लग रहा था इसका वीडियो कॉल होगा कि टाइम पीछे हो जाएगा अपने आप ही, तो मैंने इसका एक नंबर आगे रखा था। बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस, तो मैं नॉर्मल इसको कर सकता हूँ। एंड पता नहीं क्या है, मेरी अचानक से कमर में क्यों दर्द हो रहा है यार, राइट साइड में। ओ भाई ये क्यों हो रहा है मेरे को? तो ये मेरी पहली राइड है अपने नए टिम्सन टायर्स के साथ, और मैं काफ़ी भरोसा कर रहा हूँ इन टायर्स पे, बिकॉज दे हैव बिन हैंडलिंग मी, मतलब माई बाइक रियली वेल। ऑल दो थोड़ा सा हैवियर साइड पर है ये, बट इट्स स्टिल प्रिटी फन टू राइड विद दीज टायर्स। एंड मेरे को लग रहा था इनमें टायर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी, बट काफ़ी कम है, ना के बराबर है। मेटजेलर से ज़्यादा नहीं है, मेटजेलर नहीं है उनकी भी ना के बराबर, जिनकी भी ना के बराबर ही है। एंड ये आपको नई चीज़ दिख रही होगी मेरे सामने, पहले मैंने किसी ब्लॉग में नहीं डाली अपने। तो ये है एक 360 कैमरा। वेट एडवांटेज, वेट एडवांटेज, वेट एडवांटेज, बट आई हैव विंड प्रोटेक्शन। मुकुल की ड्यूक भागती है बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे करता है ये। उतर चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे, यहाँ से अराउंड 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, बट हम आधे घंटे में कवर कर लेंगे। ये है 39 किलोमीटर्स। एंड अभी थोड़ी बहुत बाइक भगाई है हमने, और बाइक मेरी अभी रेंज दिखा रही है 210 की, लेकिन टंकी ऊपर से फुल है। तो या थोड़ा मीटर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब जब मीटर मेरा 90 किलोमीटर दिखा रहा होता ना आखिरी के, तब भी मेरी गाड़ी, मतलब गाड़ी कह रहा हूँ, बाइक 50 से 60 किलोमीटर चल जाती है विदाउट एनी इशूज। एंड दीज टिम्सन टायर्स आर परफॉर्मिंग वेरी रियली वेल। ऑल दो ये वाले टायर 150 की स्पीड तक रेटेड है, मैंने आज 172 लगाई है, बट मेरे को एकदम स्टेबल लगे। बट जल्दी से चीतल मिलते हैं यार आपसे। हाँ एक मिनट, सो हियर वी आर एट चीतल ग्रैंड, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे बाइक है अपनी, बाइक लगाने की जगह कहाँ पर है?
अंदर जाएगी क्या भाई के? अबे यार अच्छी बात है, चलो कोई उंगली नहीं करेगा बाइक में। मैं जब भी लंबी राइड पे जाता हूँ थोड़ी सी भी, तो मैं माइलेज के बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मेरे पे क्वेश्चन आता है मेरे इंस्टाग्राम पर कि भाई माइलेज कितनी देती है तुम्हारे बाइक, हमें बताया करो हर दूसरी वीडियो में। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जब मैं प्लान करूँगा उसका 10,000 किलोमीटर पर जो जल्दी ही होने वाले हैं, तो उसमें भी मैं माइलेज के बारे में अलग से टॉपिक रखूँगा पूरा। तो इस टाइम पे मेरे को 100 किलोमीटर बाइक चली है मेरी, मतलब मेरे घर से लेके चीतल तक, और वापस जाता भी मैंने 300 रुपये का पेट्रोल भरवाया था, जितने में टंकी फुल हो गई थी मेरी ऊपर, मतलब जो बाहर होता टंकी का कि इसके ऊपर मत पेट्रोल भरवाना, वहाँ तक आ गई थी 300 रुपये में एकदम। तो उस हिसाब से मेरी एवरेज बैठी अराउंड 35 की, क्योंकि एक 3 लीटर में 100 किलोमीटर तो एवरेज बैठ जाती है 35 के अराउंड। सो दैट इज़ ए रियली गुड माइलेज कंसिडरिंग कि मैंने बहुत भगाई भी है, मैंने 172 टच करी थी वापस, मतलब भगाते हुए चीतल ग्रैंड आते समय, एंड फिर हमने कॉन्स्टेंटली 100-110 पर भी चलाई है। उस हिसाब से आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द माइलेज दैट द बाइक हैज़ गिवन मी टुडे। मेरे को लग नहीं रहा था इतनी मिलेगी, बट आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड एज़ वेल। ओके सो मेरा घर यहाँ से है अराउंड 25-30 किलोमीटर। बाकी यार काफ़ी सारा काम सोचा है इस पर करवाने का, बस टाइम नहीं मिल पा रहा, कॉलेज वगैरह से संडे का दिन मिलता सिर्फ उस पर, वो मेरा राइड में चले जाता है, एंड अभी इसकी सर्विस भी होनी है। मैं सोच रहा हूँ 10,000 किलोमीटर पूरे पे करवाऊँ, क्योंकि 8,920 हो चुके हैं, 9,000 में 2 दिन में हो जाएंगे मेरे 9,000, क्योंकि कॉलेज वगैरह जाना होता है। फिर मैं सर्विस करवाऊँगा, सर्विस के बाद इसको एक बार टॉप स्पीड फिट ट्राई करेंगे। आज तो चलो मैंने उतनी नहीं भाग पाई है क्योंकि सर्विस वगैरह ड्यू है इसकी। बाकी जो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है देखने पे, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर कंटेंट। मैं राइड्स पे जाता रहता हूँ, मैं एक्सप्लोरिंग करता रहता हूँ, मैं ऑफ रोडिंग ट्रेल पे भी जाता हूँ, एंड मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी देता हूँ, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, बूट्स वगैरह सब के रिव्यूज़ देता हूँ मैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ वीडियो। आई एम अबाउट टू रीच होम एंड आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को बाइक चलाने में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राइड आ गई हमारी आज। ऑल दो टॉप स्पीड उतनी मैं चीज़ नहीं कर पाया ड्यू टू द सर्विस इशूज़ जैसे मैंने बताया पहले ब्लॉग में, बट अदर देन दैट इट वॉज ए रियली फन राइड, एंड मैं थोड़ा सा लेट चुका हूँ तो हो सकता है घर पे डांट पड़ जाएगी, बट इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लाइक बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस इज सॉरी बट सादी का नेक्स्ट वन, बाय।